अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग गए थे मेरी शादी के लिए फ़र्नीचर फ़ाइनल करने, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अच्छा फर्नीचर था। हमने किसी एक शॉप से फर्नीचर फ़ाइनल नहीं किया, पहले तो हम यही चेक कर रहे थे कि कहाँ पर ज़्यादा स्टाइलिश हैं, ज़्यादा प्यारे प्यारे फर्नीचर मौजूद हों। तो इसलिए वैसे भी कहते हैं कि एक से दो दुकानें घूम लेनी चाहिए ताकि रेट वग़ैरह का भी अंदाज़ा हो जाएगा और फर्नीचर भी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के होते हैं तो पता चल जाएगा कि वैरायटी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। तो ये हम लोग मार्केट में पास ही था तो वहीं पे हम लोग देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छा फर्नीचर था, पर था फर्नीचर जो था ना वो ज़्यादा लकड़ी में था और लकड़ी की डिज़ाइनिंग बहुत की हुई थी। तो मुझे चाहिए था पोशिंग में कि फुल पोशिंग हो बेड वग़ैरह की, तो हमने इसलिए काफ़ी ज़्यादा शॉप्स पे देखा था तो वहाँ पे था नहीं, तो फिर हम लोग ऑर्डर पे बनवा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा अच्छा फर्नीचर है इनके पास भी, अगर जिन्होंने लेना हो लकड़ी वाला जिनको पसंद हो वो ले सकते हैं। तो ये साथ का बाद में काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और ज़्यादा हाई रेट्स भी नहीं हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से देखने के बाद दूसरी शॉप पर जा रहे थे, तो हम जहाँ से मैंने पोशिंग वाला लेना था तो वो थोड़ा काफ़ी दूर था, हम लोग वहीं जा रहे थे। काफ़ी मज़ा आ रहा था, फैमिली के साथ इंजॉय हो रहा था और साथ में चलें काम भी हो जाता है और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है। मुझे वॉइस ओवर देने के लिए कोई जगह मिलती ही नहीं है कि जहाँ मैं सुकून से जाके वॉइस दे सकूँ, तो अब भी मैं बैठी मतलब कि कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है तो मुझे बीच में रुक जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं से कोई शोर आता ही रहता है। तो देखे मैं यहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो साथ में नहर वगैरह थी, जो भी है कहते हैं, मुझे ज़्यादा इस बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी थी। और ये हम नेक्स्ट बड़ी शॉप पे आए थे और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फर्नीचर था। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे सोफ़े पसंद आए थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, पोशिंग में भी थे और विदाउट पोशिंग के भी थे। तो यहाँ पे बाबा मेरे चेक कर रहे हैं फर्नीचर, तो यहाँ पे भी मुझे मेरे हिसाब का फर्नीचर नहीं मिला, मुझे चाहिए पोशिंग वाला, तो यहाँ पे भी वो नहीं है। यहाँ पे लकड़ी वाला जो फर्नीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट जो मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ था वो यही था कि मुझे जस्ट पोशिंग वाला चाहिए। तो उसके लिए उसकी वजह से ही मुझे ज़्यादा शॉप्स पे जाना पड़ा, वरना तो लकड़ी वाले जो थे वो भी माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे प्यारे थे। मुझे पता नहीं क्यों पर लकड़ी वाले ज़्यादा पसंद नहीं है, ज़्यादा शो ऑफ किए होते हैं, ऐसे ज़्यादा शो शो के लिए होते हैं, जैसे शो शो करने के लिए होते हैं ना उसी टाइप के थे, तो मुझे इतने ज़्यादा शो ऑफ करने वाली चीज़ें नहीं पसंद। मैं कहती हूँ फर्नीचर हो सिंपल सा हो, तो इसलिए मैंने पोशिंग वाला लेना था। पर यहाँ पे मतलब कि मैंने फ़ाइनल कर लिया था हमने तो पोशिंग वाला फर्नीचर, यही जो शॉप मैंने अभी दिखाई है हमने इधर से ही फ़ाइनल किया है। माशाल्लाह से मेरा फर्नीचर फ़ाइनल हो गया है जैसे मैं चाहती थी। तो ये सरकाबाद का ब्रिज है, तो ये यहाँ से मैं कहती हूँ नीचे देखते हुए घरों को सारी साइडों से देखना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये ग्रीनरी वगैरह दरख्त वगैरह तो मुझे शुरू से बंदा क्या कहे, तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ से जो बाहर से आवाज़ें आती है ना, हम उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मैं कहती मैंने जितनी भी कोशिश की है ना कोई इसको साथ से गुजर ही जाता है, बोल ही लेता है। चलो तो आप लोग जो बैकग्राउंड की आवाज़ें हैं जो भी है उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें और उस पर ज़रा ध्यान ना दें। तो मैं कह रही थी कि जब हम लोग ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं ना, काफ़ी मैं कहती इतना कोई हसीन मुझे लगता है ना ऊपर से देखना, तो काफ़ी ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ये फैमिली टाइम ही होता है जो सबसे अच्छा गुजरता है, बाकी तो जब बंदा आगे जाके लाइफ में बिज़ी हो जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा था फैमिली के साथ, हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। और ये है अस्क्री पार्क आई थिंक, और वो जो एरोप्लेन जहाज़ की मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लगा हुआ ना। तो उसके बाद हम लोग कहीं जा रहे थे, फर्नीचर देखा, उसके बाद काफ़ी सारे काम थे जो एक ही टाइम में होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैठे वेट कर रहे थे, बाबा वाले काम के लिए गए हुए थे।
बाज़ार में वीडियो बनाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप कैमरा उठाते हैं ना, मोबाइल ज़रा ऊपर करके देखें तो सही, लोग आपके फेसेस की तरफ देखते हैं। और जो मेरे जैसे न्यू व्लॉगर्स होते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश करके वीडियो बनाई हुई है। तो ये लंडा मार्केट गए थे तो टॉयज़ मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मुझे भालू वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे लेने ना भी हो तो मुझे देखने का बहुत शौक़ है। और उसके बाद बाबा का कुछ वगैरह लेना होता है ना, तो फिर हमें मार्केट में आना ही पड़ता है। तो बाबा का कुछ सामान था जो कि लेना था, इसलिए हम लोग आ गए थे मार्केट में, लंडा मार्केट में। तो यहाँ से आपको पता तो है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो सर्दियों के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो वैसे भी सही रिजनेबल प्राइस में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉकरी शॉप पर आ गए थे। तो मेरी शादी आप लोगों को पता ही है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सामान लेना है। तो क्रॉकरी पे तो अब तो मार्केट में कहती हूँ आना जाना लगा ही रहेगा, और आपको मेरे ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स जो हैं वो मार्केट के ही नज़र आएंगे, क्योंकि शादी है, शादी की तैयारियाँ भी करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट में आ गए थे। और जो ये पठानों की शॉप्स हैं, तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी लेना था तो वो लिया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से खाने के लिए चले गए थे रिफ़्रेशमेंट पे। सुबह से हम लोग निकले हुए थे और इतनी भूख लगी हुई थी, तो यहाँ पे आके हमने बर्गर्स वगैरह और फ्रूट चाट वगैरह ऑर्डर्स की थी। तो काफ़ी मज़ा आया फैमिली के साथ।